मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि ममता बनर्जी की मानसिकता अंग्रेजों वाली है। वहीं कांग्रेस प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक के प्रदेश दौरे पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा आदिवासी भाइयों को वोटर माना है। इसके साथ ही अन्य कई मुद्दों पर भी गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बयान दिया है। ममता जी की मानसिकता अंग्रेजों वाली मानसिकता है, डिवाइड एंड रूल वाली। पहले हिंदू मुसलमानों को लड़ाते रहे, वो इसी तरह से तुष्टीकरण की नीति करके अब भगवानों में आपस में विभाजन चाह रही हैं। पूरा देश ममता जी की भक्ति को जानता है कि कैसे दुर्गा पूजा पर प्रतिबंध उन्होंने लगाया था, कैसे रोका था उन्होंने। एक वर्ग की संतुष्टि के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति के लिए वो सदैव से ऐसा कहती आ रही है। पर उनको हिंदुत्व याद आ रहा है इस चुनाव के वक्त, इसको भी बंगाल सहित पूरा देश समझ रहा है। पूरे मध्य प्रदेश में देखा कि बिसाऊलाल जी को किसने मंत्री नहीं बनने दिया। सिर्फ नजर वोटों में है और ये आदिवासियों को वोट ही मानते हैं जो आप कह रहे हैं, उससे आगे बढ़े। कृपा करें वासनिक जी या उनके नेता, किस तरह से सिब्बान सिंह सोलंकी जी को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया था। ये उनको वोटर ना माने, प्रदेश का नागरिक तो माने, उनके हितों की बात तो करें। 15 महीने में क्या किया इनने उनके हित के लिए? जब ये पूछते हैं तो शून्य हो जाते हैं, हमसे बातें करने लगते हैं। अपने कार्यकाल की उपलब्धि बताओ और बात करो तो समझ आती है। ऐसा नहीं है, हम पहले भी बना चुके हैं, हर चीज को राजनीति से मत जोड़ो। पहले भी ये आयोग था, माननीय बालेन सुंग जी और वो अध्यक्ष रहे हैं उसके, कमोबेश यही भी ये भी उसी तरह का है। चुनाव को ध्यान में रखकर भारतीय जनता पार्टी कभी निर्णय नहीं लेती। 370 हटाई तब कौन सा चुनाव था, 35 से हटाई तब कौन सा चुनाव था, राम मंदिर का शिलान्यास किया तब देश में कहां चुनाव था। जनता की सेवा करना और विकास करना, ये दो बातों को ध्यान में रख के लेते हैं। आज ये सवर्ण आयोग का भी मुख्यमंत्री जी का ऐलान उसी को ध्यान में रखते हैं। सबका साथ और सबका विकास, जो प्रधानमंत्री जी का मंत्र है, उसी मंत्र की परिणीति ये है। कोरोना के काल में भारत की अर्थव्यवस्था, IMF अगर कहती है वैश्विक संस्था कि भारत की अर्थव्यवस्था सुधर रही है, और भारत सुधरे हुए अर्थव्यवस्था में वैश्विक पटल पर उभर के आ रहा है, ये अपने आप में हम सब के लिए गौरव की बात है। हम प्रधानमंत्री जी की आर्थिक नीतियों के लिए, आम आवाम के लिए सोच के लिए उन्हें साधुवाद और बधाई देते हैं, माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी को। आज 125 देश लाइन में खड़े हैं वैक्सीन लेने के लिए, और विश्व गुरु बनने के लिए भारत का एक सार्थक कदम मोदी जी ने बढ़ाया है। कांग्रेस का दुर्भाग्य है कि केंद्र से लेकर राज्य तक सब पुत्र मोह में पड़े हुए हैं, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, चाहे प्रांतीय अध्यक्ष हो, चाहे दिग्विजय सिंह जी हो। किसने कहा था कि पर्दे के पीछे से सरकार चलाओ? किसने कहा था कि पुत्र मोह में इतने ग्रसित हो जाओ कि वरिष्ठों का अनदेखा कर दो? जरूरी था कि नंबर एक पर राज्यसभा में आप जाते, भरैया जी को भेज देते, खड़े उतरते। ये जो कर रहे हैं ना कृत्य, ये जनता है, ये पब्लिक है, सब जानती है।